तो आज आठवीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम हमारा विषय रहेगा स्थायी बंदोबस्त, यानी स्थायी बंदोबस्त से क्या अर्थ है। स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो किसने चालू लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस ने। कब किसने की थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। और कहाँ कौन कौन से राज्यों में की थी? बंगाल और बिहार से शुरू की थी। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बंगाल और बिहार राज्य से शुरू की थी। किसने की थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरू की थी। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो स्थायी बंदोबस्त है यह है भू राजस्व, यानी भूमि का टैक्स इकट्ठा करने की एक विधि है, योजना थी। इसके अंतर्गत क्या था? सारी जमीन को मुट्ठी भर यानी थोड़े से जमींदारों को दे दी, जिससे वो जमींदार उन किसानों से लगान लेते थे। और वो लगान कैसे लेते थे? लगान लेने के बाद नकद उस राशि को सरकारी कोष में जमा कर देते थे। कौन? जमींदार, जो मुट्ठी भर जमींदार थे। और कितना करते थे? 10/11 भाग, यानी जितना लगान इकट्ठा हुआ उसका 10/11 भाग सरकारी खजाने में जमा करते थे। और शेष भाग, शेष कितना बच गया? 1/11 भाग अपने पास रख लेते थे। इसलिए सरकार को क्या फायदा हो गया? सरकार को लाभ क्या हुआ? लगान की राशि का पता लग गया कि कितनी राशि लगान के रूप में इकट्ठी होती है। दूसरा क्या है? जो कंपनी थी उसको जमींदार वर्ग का एक बड़ा वर्ग, जमींदार वर्ग सरकार का वफादार बन गया और किसानों से उनको क्या हो गया? लगा और लगातार जो अपना टैक्स था, भू राजस्व था, वो इकट्ठा शुरू होना हो गया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो करेंगे स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त विषय को आप अच्छी प्रकार से याद करें, ये महत्वपूर्ण विषय है, और याद करें, अपनी कॉपी में लिखें और मेरे पास पर भेजें। धन्यवाद।